हेलो गाइस, सो आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सबको। हेलो, वन सेकेंड गाइस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। सो गाइस, अगर मेरी वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर तरीके से चल, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। रितेश गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग। रेहान, ब्रजेंद्र, भूमिका, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग हितेश। गाइज, एक बार बता दीजिए यार कि अगर वीडियो और ऑडियो सब कुछ सही चल रहा है तो, बिकॉज यार आज पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। अंजलि वर्मा, बता दीजिए एक बार थम्सअप करके ताकि सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। ओके, थैंक यू ब्रिजेंदर एंड थैंक्स भूमिका। चलिए गाइज, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब स्टडी स्किल सक्सेस पर। रोज रात 8 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करते हैं। एंड आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम 2010 तक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेकंड पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, फर्स्ट पार्ट आज अपना रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देन पहला क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? हिंद सेकेंड, प्रोटीज, डीनेज फर्स्ट या फिर आरनेज? ओके रितेश, मास रेडी, वेरी गुड इवनिंग भाई। हिमांशु देवगन, थैंक यू बॉस। भूमिका गुप्ता का ए आ रहा है गाइस। अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, भूमिका का ए आ रहा है, रीमा का ए है, शिवम मौर्या का ए है, इसके अलावा वेरी गुड इवनिंग अदनान, मीरद, अंजलि वर्मा का ए आ रहा है। ओके, रेहान फैजल का भी ए आ रहा है, मीर अदनान का भी ए आ रहा है। सो बिल्कुल सही है गाइज, ए बिल्कुल इसका राइट होगा। हिंट सेकंड, जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स होते हैं, या फिर जो रिस्ट्रिक्शन होता है, वो एक प्रकार का जो है वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए के विशेष बिंदु पर अलगाव करता है। इसके अलावा ये जो विशेष बिंदु होता है वो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का विशेष स्थान होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसका। और हिंद सेकंड प्रतिबंध एंजाइमों में से ही एक है। हिमांशु बिल्कुल सही है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंद सेकंड। हिंद सेकंड जो है बिल्कुल हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? द एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ए आपका है थर्मस एक्वेटिक्स, बी आपका है थियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, सी आपका है बैसिलस सबटिलिस और डी आपका है सीओडोमोनास प्यूटिडा। प्यूटिडा रीमा का ए है, रितेश का ए है। ओके, आज यार थोड़ा नेटवर्क इशू है तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो मैनेज कीजिएगा यार। मीर ए, भूमिका गुप्ता ए, आज नेटवर्क को पता नहीं क्या हुआ है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। चलिए गाइस, आप सबका ए आ रहा है तो ए इसका बिल्कुल राइट होगा, थर्मस एक्वेटिकस। एक्वेटिक्स थर्मस एक्वेटिक्स जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। टॉक पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो थर्मस एक्वेटिक से प्राप्त किया जाता है जो कि गर्म झरने में पाया जाता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पाया, झरने में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बिहाव पे बिल्कुल सही होगा, रेहान, हिमांशु, मीर, अदनान, भूमिका, सबका आपका सही है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्लॉजिम्ड का अभिलक्षण नहीं है? प्लॉजिम्ड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लेजेंट्स? ए आपका है इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन, बी आपका है सर्कुलर स्ट्रक्चर, सी आपका है ट्रांसफरेबल और डी आपका है सिंगल स्टैंडर्ड। चलिए गाइस आंसर कीजिएगा ए बी सी या फिर डी में से कौन सा होगा। रितेश गुप्ता का बी आया है, रीमा विश्वास 37 का ए है। ओके नेक्स्ट गाइस अदर स्टूडेंट क्या होगा वो भी बता दीजिए। नमस्ते सजीव आंसर कीजिए गाइस। भूमिका का डी आ रहा है, सजीव का भी डी आ रहा है, काजल ठाकुर का डी है, इसके अलावा रीमा सॉरी डी है, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु देवगन ए भूमिका का डी आ रहा है। ओके मीर अदनान का भी डी है, सजीव का भी डी है, तो डी इसका बिल्कुल राइट होगा गाइस। सिंगल स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। प्लाजिम्ड होता है, जो प्लाजिम्ड होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरे जो तंतुवत गोलाकार डीएनए है वो पाया जाता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो इसके भी आप पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल रज्जुकीय है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा रेहान, आपका डी होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े क्लोन कर सकता है? विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? ए है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बी आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सी आपका प्लाज्मिड और डी आपका है कॉसिड। ओके रितेश का बी है, मंगल प्रसाद का डी आ रहा है, सजीव का बी आ रहा है, इसके अलावा प्राची का है, सजीव का डी आ रहा है, इसके अलावा गाइस यार कमेंट फिर से बंद हो गए। चलिए गाइस आंसर कीजिए आप, ये कमेंट यहाँ पे है तो कोई बात नहीं। एक मिनट गाइस शुरू हो रहे हैं। ओके 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 हो गए हैं। भूमिका का ए था, सजीव का डी था, इसके अलावा था प्राची, वेरी गुड इवनिंग प्राची, मंगल प्रसाद ए, रीमा का सी आ रहा है। इसके बाद हिमांशु सर केमिस्ट्री का भी एमसीक्यूज करवाइए, एक बार फिजिक्स बायो के खत्म कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है ए आ रहा है गाइज आपका, मोस्ट स्टूडेंट्स का ए आ रहा है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए गाइज तो प्लाज्मिड यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्राची बिल्कुल सही है आप, सी होगा, शिवम मंगल ए नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर। अब देखिए सी क्यों होगा, प्लाज्मिड का एक लघु खंड है जिसका जो आकार होता है साइज की अगर बात की जाए तो 10 KBP होता है, इसका जो साइज होता है वो 10 KBP होता है। इसके अलावा यह भौतिक रूप में अगर बात की जाए तो प्रथम एम कोशों में गुणसूत्रीय डीएनए का जो स्वतंत्र रूप से जो प्रतिकृतिकरण है वो ये कर सकता है। अर्थात अगर बात की जाए तो प्लाज्मिड वाहक डीएनए के छोटे टुकड़े क्लोन कर सकता है, ठीक है, तो इस सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा गाइस। काजल ठाकुर प्लाज्मिड, हाँ काजल बिल्कुल सी होगा इसका आंसर। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गुणसूत्रीय डीएनए के संदर्भ संकरण तकनीक क्या प्रयुक्त नहीं होता? एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउथर्न हाइब्रिडिजेशन टेक्निक डज नॉट यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लॉटिंग ऑटो रेडियोग्राफी या फिर PCR? ओके गाइज गाइज सर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रसाद डी, यार सोनू थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप अपने रेजुलेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, आज यार नेटवर्क का इशू हो रहा है, अब उसका तो कोई इलाज है नहीं, वरना मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की हुई है। शिवम मौर्या का ए, शहनशाह का डी आ रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा यार। भूमि का PCR आ रहा है यानी कि टी। रीमा का भी डी आ रहा है, नॉट विजिबल क्लियरली, यार इसको क्लियर करते हैं अभी। गाइस आवाज आ रही है? हेलो
आप सबको एक बार बता दीजिए गाइस। कैन यू हेयर मी? दीजिए कि अगर आवाज आ रही है तो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकें, बिकॉज बीच में नेटवर्क इशू वजह से ये बंद हो गया था। ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पादपों में जो पात्रे कलोनी प्रवर्धन है ये किसके द्वारा चित्रित होता है? इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स इन कैरेक्टराइज्ड बाय। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर सब कुछ सही है तो फिर। दिख नहीं रहा नवीन उपाध्याय। यार नेटवर्क मेरे पास तो सही है, एक बार चेक कर लीजिए आप अपना नेटवर्क। नवनीत भूमिका का ए है, देश का ए है। इसके अलावा अगर बात की जाए, शहनशाह का भी, रीमा का भी ए आ रहा है। टू डू व्हाट्सएप स्टेटस 2.0, हेलो। ठीक है, तो ए आ रहा है गाइज आप सबका। तो ए बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसीआर एंड आरएपीडी। पीसीआर और आरएपीडी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% ए होगा। अशोक यादव बिल्कुल सही हैं आप। चलिए ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा गाइस, पीसीआर और आरएपीडी। चलिए गाइस, सजीव बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर काट देने किसके काट देना डीएनए स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ? द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोबोस, सिलेक्टेबल मार्कर्स, लाइगेज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। चलिए गाइज आंसर कीजिए गाइज, क्या होगा? भूमिका का डी है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम आ रहा है, संदीप का, पार्थ का डी, रीमा का डी आ रहा है। ओके, शहनशाह का भी आ रहा है। अरे यार चल जा मेरे भाई, भूमिका का डी है, इसके अलावा रितेश का भी डी है, रेहान का भी डी है, सबका डी आ रहा है। सो आंसर बिल्कुल सही है गाइस, डी होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो प्रयोग है वो डीएनए को स्थान विशेष पर काटने के लिए होता है। सही यार सोनू, आज की क्लास तो गई, आ गया आ गया, मे बी आ गया नेटवर्क, अब नहीं होगा गाइस, अभी जियो वालों ने मेहरबानी बरसाई है, अंबानी जी ने। सो मे बी अब लैग नहीं होगा, लैग बोल रहा हूँ, पबजी याद आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे यार इस क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डी बिल्कुल इसका राइट होगा। सॉरी यार जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, बट क्या करें आज हाल ही कुछ ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है? द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर, टेम्पलेट, कैरियर या फिर ट्रांसफॉर्मर। भूमिका गुप्ता का ए आ रहा है, अब नहीं होगा गाइस, अब नेटवर्क फुल आ चुका है, मे भी नहीं होगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। चलिए वेक्टर आ रहा है सजीव का, यानी कि ए, रेहान का ए है, रीमा का भी ए है, भूमिका का भी वेक्टर है, नवनीत का भी वेक्टर है, विजय कुमार का भी ए है, यानी कि वेक्टर है। ओके, रितेश का भी ए है। ठीक है,
ए बिल्कुल सही होगा गाइस, वेक्टर इसका बिल्कुल सही होगा। वेक्टर जो होता है वो एक प्रकार का डीएनए अणु है जिनका प्रयोग जो वांछित जीन होते हैं उनको एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाने के लिए किया जाता है। वांछित यानी कि बचे हुए, ठीक है, वांछित यानी कि बचे हुए, जो बचे हुए जीन होते हैं उनको एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेक्टर का। ठीक है, ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग या फिर सेंट्रीफुगेशन। यशपाल कुशवा, बी आ रहा है, शहंशाह का बी आ रहा है, सजीव का बी आ रहा है। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस आ रहा है शहंशाह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइबू एडिट्स का बी आ रहा है, सौरभ मिश्रा का बी है, हितेश का, आशीष, रेहान, शहनशाह, रीमा, भूमिका, सबका बी आ रहा है। ओके, तो बी बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें जो निषिद्ध एंडोन्यूक्लियस होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न डीएनए है वो खंडों को जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके द्वारा विलंगित किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर यू आर नेटिव प्लेस, समझा नहीं यार सजीव क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर यू आर नेटिव प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपुन योर्गजी जीवाणुओं की नीली निवय के विपरीत पूर्ण योग्य जी जीवाणुओं की निवय श्वेत दिखाई देती है क्योंकि द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपियर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ ए बी सी या फिर। अच्छा आप कहाँ से हो? ठीक है, राजस्थान। ओके ओके ओके, अब समझा। ठीक है, सौरभ मिश्रा का बी आया है, भूमिका का डी आया है, सोनू का बी है। ओके, इसके अलावा सोनू का बी है, भूमिका का डी है, रीमा का भी डी है, रवीना का बी आ रहा है, रीमा का बी आ रहा है, शहनशाह का बी है, फौजिया नास का डी है, इसके अलावा तहीर का बी आ रहा है, सजीव का बी है, डोंट नो। ओके, राजेश परमार का बी है, रीमा का डी है, रितेश का भी डी है। ओके, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए 31 की तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बेटा जो ग्लैक्टोसाइडेज है, यानी कि डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर आई एम न्यू स्टूडेंट सुभाष चंद्र यादव, वेलकम सुभाष, स्वागत है आप सभी का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नीचे दिए जा रहे चित्र में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उनके तीन चरण दिए गए हैं, तीन स्टेप्स दिए गए हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक चरण का सही निरूपण दिया गया है, ये आपको पहचानना है। द फिगर बिलो शो थ्री स्टेप्स ए बी सी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विथ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो किसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये आपको बताना है ए बी सी और डी में से राइट आंसर करके। एम आल्सो,
वेलकम नाज, भूमिका का सी है। ओके ओके गाइस, सजीव का सी आ रहा है, शहंशाह का सी है, सोनू का ए है, नास का सी है, भूमिका रीमा सी आ रहा है आपका, शहंशाह का सी, हितेश का भी सी है, सुभाष यादव का डी आ रहा है। ओके सो गाइस, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना, सी बिल्कुल इसका राइट होगा कि तापस्थयी डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में विस्तारण। सी इसका बिल्कुल राइट होगा कि सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है यानी कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर, उसमें जो टैग डीएनए होता है, ठीक है, उसमें जो टैग डीएनए होता है उसकी उपस्थिति में जो विस्तारण जो होता है ना वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स सी कर रहे हैं उनका सबका सही है, रवीना, हितेश, रेजल, शहनशाह, भूमिका, सबका सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोमानुकर्मी अनुक्रम दर्शाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। 29 का आपको आंसर करना है, ए बी सी या फिर डी। आज नेट प्रॉब्लम अधिक है। हाँ यार, नेट प्रॉब्लम ज्यादा है सोनू, बट अब सही हो गई है, अब बिल्कुल सही है। नाज का ए है, शहनशाह का ए है, उसके अलावा यशपाल का ए है, सजीव का ए है, हर्ष तिवारी का भी ए है, राजेश परमार का भी ए आ रहा है, रेहान का ए, सबका ए आ रहा है। ओके 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 29, तो 29 का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ए बिल्कुल सही है गाइस, आप जितने भी स्टूडेंट्स ए कर रहे हैं ना, तो ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक है गाइस, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक आर यूज्ड। 2020 क्वेश्चन 2020 का एक अलग से, मैं जो बाकी देखिए 2016 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, उसके अलावा 2017, 18, 90 और 20, ये जो 4 ईयर बच जाते हैं ना, इनके हम टोटल क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस पेपर करेंगे, 90 जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग डिवाइड करके उनको अलग अलग सेशंस में, तो इन पूरे के पूरे सेशंस में डिवाइड करके इनके क्वेश्चंस पेपर करेंगे। ठीक है, बाकी 2017 तक के अलग अलग चैप्टर वाइज करवा देता हूँ। ए आ रहा है सबका, लगभग सभी का ए है, आयशा, हितेश, सजीव, भूमिका, रीमा, रवीना, सबका ए आ रहा है। ओके 27 का ए आ रहा है, ए इसका बिल्कुल राइट होगा गाइस, आप जितने भी स्टूडेंट्स ए कर रहे हैं, भूमिका, शहनशाह, सोनू, हितेश, सजीव, नाज, सजीव, सोनू, बिल्कुल सही है गाइस, ए होगा। वर्ण योग्य जो चिन्ह चिन्हक है उनके रूप में मार्क्स हैं यार, एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, यानी कि ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बायोलिस्टिक्स यानी कि जीन जो गोलाबारी है किसके लिए उपयुक्त है। बायो जो लिस्टिक्स है, जीन गन इज सुटेबल फॉर, यार इसके क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा आंसर देने से पहले, हिंदी में कुछ अलग है और इंग्लिश में कुछ अलग है, यानी कि उनका ऑर्डर बदला है, तो आप ए बी सी और डी जो भी दें तो ध्यान से दीजिएगा। इसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो डी पर है, लेकिन इसमें ए पर आ गया है। ठीक है, तो आप इंग्लिश के हिसाब से आंसर कीजिएगा इस, मैं समझ जाऊंगा, इंग्लिश के हिसाब से आंसर कीजिए आप।
सभी इंग्लिश के हिसाब से आंसर करेंगे गाइस, सी इन इंग्लिश। ओके ओके, इंग्लिश के हिसाब से ही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हितेश कुमावत बी, फोजीनाज सी, भूमिका का डी आ रहा है, विजय का सी है, हितेश का बी आ रहा है, हिंदी में बी, रीमा। ओके, हितेश का बी है, शहनशाह सी, भूमिका डी इन इंग्लिश। ओके, आई एम अ मैथ स्टूडेंट सर, बट आई एम माई सन इज बायो नीट स्टूडेंट। रितेश गुप्ता, ओके रितेश, रितेश का सी है, रीमा इंग्लिश में सी। ओके ठीक है, रवीना मलिक। ठीक है, तो गाइज अगर बात की जाए तो हिंदी में इसका राइट आंसर होगा सी, इंग्लिश में राइट आंसर होगा डी। ठीक है, हिंदी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हिंदी में सी है, इंग्लिश में डी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। जो बायोलिस्टिक है वो पुनर्योगरज जो डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो बनाने के लिए सीधे जो जीन स्थानांतरण है वो करने की विधि है, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विद वेक्टर्स, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा डेली रोज शाम 8 बजे एक सेशन होता है जिसपे हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, और कल का चैप्टर आपको पता लग गया होगा, इसका सेकंड फेज रहने वाला है, या कि इसके इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट रहने वाला है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल भी जरूर जुड़िएगा रात 8 बजे। और इसके अलावा यार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इस पर मैं बहुत सारे जो रिविजन नोट्स है ना वो डालने वाला हूँ। ऑलरेडी 2 से 3 चैप्टर्स के डाल चुका हूँ, और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सभी चैप्टर्स के मैं जो रिवीजन नोट्स है वो यहाँ पर डालने वाला हूँ, और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में डालने वाला हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी स्किल सक्सेस सर्च करना है, तो वहाँ से आप डाल लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। इंस्टा पर भी, इंस्टा पर कैसे डालेंगे यार। रितेश गुप्ता अभी कहाँ, गुड नाइट भाई। ओके वेलकम यार, सभी को वेलकम, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे तो लिंक वो ओपन नहीं होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिए, कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे।